हाँ, तो आज हम लोग अपनी रूम्स टेस्ट करने वाले हैं, जो कि हमको यहाँ पर प्रोटेक्ट 3 मिला था पिछले बार, उसको हम लोगों ने टेस्ट ही नहीं किया। और दूसरी चीज़ यहाँ पर मैंने प्लांट का वो भी लगा चुका हूँ अपना हेलमेट। लोगों को ये प्लांट ही लगता है मुझे तो, आई डोंट नो कि ये प्लांट है कि नहीं, पर मुझे तो वही लगता है। मोस्टली बंदे जो कि प्लांट को सपोर्ट करता है वो भी इसी मास्क इसी हेलमेट को पहनते हैं, इसलिए मुझे भी लगता है कि हमें भी इसी हेलमेट को पसंद करना चाहिए, पहनना चाहिए। तो यहाँ पर प्लांट वर्सेस गॉब्लिन में मैं तो प्लांट को चूज़ करता हूँ, और वंश भी प्लांट को ही चूज़ करता है, गॉब्लिन मुझे पसंद नहीं सकता है। तो और यहाँ पर हमारे हमें इससे लड़ना है, ये तो बहुत प्रो है भाई, ये बंदा बहुत प्रो है सीरियसली। और यहाँ पर मैंने अपनी न्यू स्किन्स भी इक्विप कर चुका हूँ, क्योंकि यहाँ पर क्या बोलते हैं कि हमारे यहाँ पर वो है, क्या बोलते हैं, अरे क्या कि मैं एक स्किन को यूज़ कर करके बोर हो गया था। ये बंदा रश कर रहा है, नाम भी उसने लिखा है, मुझे ये बहुत प्रो लग रहा है भाई भाई भाई। वेट, मैंने इसको ज़्यादा प्रो समझा था सीरियसली, ये इतने जल्दी मैंने कैसे मार दिया सीरियसली, मैं बिलीव नहीं हो रहा था जब बताऊँ तो। ये बंदा ऊपर से भाई 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 ओके, तो हमें इसका बैट जल्दी तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये क्या बोलता है कि हमें फार्म किलिंग तो इसके साथ नहीं कर सकता, वो तो मैं थोड़ी बहुत न्यू बीस के साथ करता हूँ, ताकि मैं, क्योंकि मुझे किल्स भी तो बढ़ाने हैं ऑब्वियसली, ताकि ऑब्वियसली सही टाइम पे मारो, सही टाइम पे। अब इसके बाद तुरंत बैट तोड़ दूंगा इसका, हैं आई थिंक कि इसके पास फ्लेम की स्वॉर्ड है, हाँ इससे फ्लेम की स्वॉर्ड है इसके पास सीरियसली, अदरवाइज तो ये गया ही था ऑब्वियसली, ओ एफ सी। अभी इसको फिर से अब तो ये गया। वो फ्लेम से ही मर जाएंगे, बैट तो तोड़ के रहूँगा अब। फाइनली ओके, अब हम लोग अपने लिए आर्मर वार्मर ले लेते हैं। ओके चलते हैं अब हम लोग यहाँ पर भाई, भैया जल्दी जल्दी से जूते दे दो भाई जल्दी से, अरे वो भग गया होगा भाई सीरियसली। हाँ देखो, मैंने वही सोच सही सोचा था, मोस्टली जो प्रो बंदे होते हैं वो ऐसे ही भग जाते हैं। ओ भाई येल्लो का बंदा रेट्रोस्पेक्टिव का यूज़र अब्यूज़ कर रहा है, अब्यूज़ ये बंदा सीरियसली वो कर रहा है अब्यूज़ सीरियसली। मैं ही गिर गया, वाह मैं ही गिर गया ब्रो। मुझे एक्सेंटली लगा कि ग्रीन वाइप, नहीं अभी तो खैर नहीं हुआ भाई, येल्लो ही ये, मुझे येल्लो को मारना पड़ेगा ऐसे तैसे भाई साहब। भाई 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 ये बंदा पैराग्लाइडर, आई मुझे पता था। हमारा बैड एक्चुअली गया, हमें इसी के बेस पे जाना चाहिए और इसका बैड तोड़ना चाहिए आई थिंक। हाँ भाई ये खुद भी गिर गया, पर मैं यही भाग रहा हूँ, मैं तो उसके बेस पे भाग रहा हूँ, मैं कुछ नहीं जानता, मैं इसका बैड तोड़ के रहूँगा, सही में मैं इसका बैड तोड़ के रहूँगा, सच बता रहा हूँ। इसने एक ऐसे थोड़ा बहुत स्टेन ग्लास और लगा के रखे हैं, और अब मैं आपको अपनी न्यू स्किन दिखाता हूँ, गोल्डन स्वॉर्ड बाय कर लूँ, ये देखिए मैंने, ये रही मेरी न्यू स्किन। और बाकी फिलहाल चलते हैं हम लोग पिंक का बैट तोड़ने के लिए, क्योंकि हरी भी क्या बोलते हैं क्या गुलाबी भी वहीं पर है, और अपने लिए आर्मर चेस्ट प्लेट और जूते भी ले लेते हैं, टूल्स अपग्रेड कर लेते हैं, ताकि उससे अगर मान लो कभी ओक प्लैंक या एंड स्टोन लगाया हो तो काम आएगा, मदद मिलेगी। और ब्लॉक्स अब चलते हैं। ओके ग्रीन वाइप्ड आउट, पिंक के पास डायमंड का आर्मर आ चुका है, हमें भी लेना पड़ेगा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है उसके पास फुल लीचिंग होगी। टी एन टी बाय करना पड़ेगा, TNT एक्चुअली यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर ये बंदे इनके पास लीचिंग होती है तो भी TNT का यूज़ करता है, इसलिए मैं भी कर रहा हूँ। तो क्या तो मैं अपने लिए आर्मर ले लेता हूँ, फिर TNT अभी लेना पड़ेगा, वो आ रहा है
वो आ रहा है। मुझे ऐसे लगा जैसे उसने मुझे देखा भाई, सही वो आ ही रहा है। अगर TNT निकाल लेता हूँ भाई, भाई 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 ये बंदे को उस पास विंग्स भी हैं भाई। ऐसे TNT से कुछ नहीं हुआ, हम लोग गए। ओ भाई भाई गंदी PvP चल रही है भाई। ये गया, ये बंदा मर सकता है। ये बहुत हार्ड था, और सच बताऊँ ना तो मुझे लगा था कि मैं गया। मैंने एक्चुअली में उसको बिना TNT के मारा है। उसके बाद मुझसे ज़्यादा लीचिंग थी ये, तो आप लोगों ने भी देखा, मैंने उसको एक्चुअली में बिना TNT के मारा है। ये तो आप लोग जानते ही हो, TNT से उसको थोड़ा अलग है, बट हाँ उससे मतलब ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। असल में फ़र्क तो उसको पड़ा था मेरे मारने से, हालांकि बहुत हार्ड थी वो बात। ये ग्रीस को भी मारना पड़ेगा, ये बंदा भी बहुत अब्यूज़ करता है अभी सीरियसली। ये देखो फ्लेम मम फोड़े जा रहा है, बट पक्का हॉर्न से निकाल रहा होगा। अरे वह ऊपर चला ही जाएगा, अब उतना टाइम नहीं था ना मेरे पास, इतने जल्दी आ जाते हैं। अभी मुझे लगता है मुझे भी यहाँ पर इसके साथ तो TNT का यूज़ करना ही पड़ेगा, वरना ये भी यहाँ पर अब्यूज़ करेगा। पोशंस का यूज़ करता हूँ। ये रहे मेरे पास आ गई लीप फॉर्ड रहा है, ये डायमंड सॉर्ड की मैंने स्किन चेंज की है। और अभी चलते हैं ऊपर। ये बंदा कहाँ गया, ये कहाँ गया? अच्छा यहीं पर है, मैं इसको देखा नहीं। अब क्या करेगा, अब क्या गिर जाएंगे? अभी रेस्क्यू गया, अभी क्या करोगे? यस जीत गए हम लोग। अब थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर स्काई रॉयल खेलते हैं मस्त। भी मेरे बैड स्काई रॉयल में भी मेरा अभी तक आया नहीं, पर मैं चाहता हूँ कि मैं स्काई रॉयल में भी मस्त OP बन जाऊँ। और काश धैन भी खेलता, वो पता नहीं क्यों नहीं खेलता है। वो बोला था कि स्काई रॉयल मेड हिम वीकर, मतलब उसको वीक बना दिया। ये मैं समझ नहीं आया सच बताऊँ तो। बाकी अभी फ़िलहाल के लिए मैंने ऐड देख के 5 हॉर्न लिए थे, और मैं सोच रहा हूँ कि अभी यहाँ पर हम लोग स्काई रॉयल ही खेलते हैं। कहाँ गया? अरे कहाँ, ये रहा। चलते हैं। अगर एक लीचिंग पाच भी अगर उन लोगों ने ऐड की होती ना, एक लीचिंग पाच बहुत यूज़फुल थी सही में। और अगर उन्होंने गोल्डन चेस्ट में उसको रखा होता और लीचिंग 1 जितनी रेयर ही होती ना, तो अभी तक हमारे पास 5 लीचिंग 5 होती, यानी 5 5 का 25 लीचिंग होती हमारे पास। सीरियसली जस्ट मजाक कर रहा हूँ वही। फिर तो ईजी वन 3 7 21 होता है, और तो वो भी हमारे पास अगर 5 लीचिंग 5 भी आ जाती बहुत था भाई सही में। और बाकी 1 लीचिंग 5 भी बहुत हील करती है। मैंने अभी यहाँ पर एक बंदे को की रूंस देखी थी, उसके पास सीरियसली यहाँ पर फुल लीचिंग 3 थी, और मैंने उसको 5 लीचिंग 1 से कैसे मारा मुझे भी नहीं पता। और मुझे लगता तो है कि वो एक्चुअली लीचिंग 3 थी, और थोड़ी बहुत लीचिंग 2 भी थी, और 1 लीचिंग 1 थी सीरियसली। और प्रोटेक्ट में थोड़ा स्ट्रॉन्ग भी था, और बाकी वो तो मैं भूल ही गया उसके बाद क्या था। और अभी चेस्ट ये बंदा ले लेगा। मैं चेस्टे इसलिए बोलता हूँ कि जब मैं पहले मुझे बहुत अनलकी रिमूव्स मिलती थी ना, जब मैं यहाँ पर मंडे को नहीं खोलता था, और तब मैं थोड़ा अनलक्की भी था मुझे लगता है। अब मैं थोड़ा ज़्यादा लकी भी हूँ, प्लस यहाँ पर अभी चांस भी बढ़ चुका है लीचिंग का। तब मैं यहाँ पर चेस्ट को गुस्से में चेस्टे बोलता था सही में। मैं इस बंदे को मारने आया हूँ, इस बंदे को तो मारना ही पड़ेगा, ये रैट का बंदा। कहाँ जा रहा है ये भाई? सही टाइम पे मिल गया भाई। ओ नहीं 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 नहीं, ये बंदा ऊपर चला जाएगा, ऊपर चला जाए। नो 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 वेस भाई, ऊपर कैसे जाऊँ? जल्दी तोड़ो भाई इसको, भाई भागो भाई। इसे ब्राइज भी लगा चुका है, ये ब्रिज, ब्रिज बोलते हैं ब्रिज, जो भी ब्रिज। मैं जल्दी में ब्राइज भाई भाई ये यार। ओ भाई सही टाइम पे भाई, अच्छा वो उससे TNT यूज़ नहीं किया, वरना तो मैं गया ही था आई थिंक। और ये मुझे मार भी देता है थोड़ी टाइम भाई, मुझे TNT तोड़ना पड़ेगा एक्चुअली। इस पर TNT को टूटने में टाइम लगता है, अच्छे से प्लेस कर दिया भाई सही में, वरना इससे यूज़ कर लिया होता ना तो अभी हम लोग गए ही थे भाई। ये TNT तो मैं ही लूँगा इसी की, कोई भी जो भी यहाँ पर TNT का यूज़ करेगा उसके साथ यहाँ पर मैं मतलब मान चलो मुझे ही मिला, वो अच्छी चीज़ है। ये भी यहाँ पर लूटना,
इसके पास आयरन का था ना ये वो। हाँ तो मैं ये बोल रहा था कि हो सकता है कि यहाँ पर कुछ बंदे हमको ऐसे मिले जो कि यहाँ पर TNT का यूज़ करें, इसलिए मैं यहाँ पर TNT रखे ही हूँ। ऐसे ड्रॉप तो मैं नहीं करने वाला, कभी कभार यूज़फुल भी होता है वो बात। ये बंदा रिस्पॉन हुआ है, इसी को मारने के लिए मैं इसको यूज़ कर, मैं TNT इसी को मारने के लिए यूज़ करूँगा, इसी को मारूँगा, उसी के TNT से इसी को मारूँगा सही में। अब मैं छोड़ूंगा नहीं इसको, अब मैं इसको उसी के TNT से मारूँगा भाई, सच बताऊँ तो। कहाँ गया वो, रहे दोनों के दोनों। ये रहा मेरे पास TNT, अब तो भाई इसी को मैं उसी के TNT से मारूंगा, वरना ये मुझे मार देता अगर इसने वो लापरवाही नहीं की होती। ये गया, अब इसको भी मारो। ये तो गिर ही गया, मैं सीरियसली उसको एरो से मार दिया, सीरियसली मैंने उसको एरो से सीरियसली। अरे फेल हो गया ये मस्त था सीरियसली, ये मस्त था सीरियसली। और वो जो बंदा जिसने मुझे TNT से TNT का यूज़ कर रहा था पर कर नहीं पाया, उसको तो मैंने 1 hit ही कर दिया सीरियसली। मस्त रिवेंज था, हालांकि उस ऐसा कोई रिवेंज की बात भी नहीं थी, वो बात अलग है, क्योंकि उसने TNT प्लेस कर दिया था। पर अगर अगर उसने वो जैसे तैसे वो लापरवाही नहीं की होती तो फिर वो मुझे TNT से मार ही देता, तो एक तरह से हाँ बदला ही था, बदला ही था ऑब्वियसली OFC। और अभी फ़िलहाल यहाँ पर चलते हैं डायमंड शॉट को ले लें। मैं नहीं चाहता कि ये बंदा ले ले सीरियसली, ब्लू का मेरी ये ले चुका है ऑलरेडी, क्या करें अब, ये ऑलरेडी ले चुका है सीरियसली। मैं जब उनको बंदे को मारने के लिए जा रहा था तब यहाँ पर आ गया था इसलिए। अरे भाई क्या टकरा है, या तो एटलीस्ट गोल्डन स्वॉर्ड ही ले लेता। ये बंदा फिर से रिस्पॉन हुआ भाई, ये येलो टीम के बंदे ऐड देख के रिस्पॉन होते ही जा रहे हैं। एक तो खैर ऑलरेडी रिस्पॉन होके भी इसको मार दिया था, लेकिन जो दूसरा वाला था वो एक ही बार मरा था, फेल हुआ था। इसको येलो को तो मैं छोड़ने नहीं वाला, पहले तो मैं यहाँ पर एक बार नहीं, मुझे एक थोड़ी सी अच्छी स्वॉर्ड चाहिए पड़ेगी, थोड़ी सी अच्छी स्वॉर्ड तो मुझे भी चाहिए यहाँ पर। एटलीस्ट गोल्डन स्वॉर्ड ही मिल जाए फ्लेम की, एटलीस्ट डायमंड स्वॉर्ड भी ठीक ही है ठीक। ये बंदा मुझ पर स्नोबॉल्स फेंक रहा है वो से, ये किसको मार रहा है, मैं तो अच्छा उसको वो येल्लो का बंदा मुझे दिखा दिखा, मुझे भी दिखाओ एक्चुअली, मैं यहाँ पर ऊपर जा रहा हूँ इसको। वो अब तो मेरे पास ठीक है, मैं कुछ नहीं कर रहा, मुझे इस बंदे को मारना ही पड़ेगा सही में। ये बंदा सीरियसली जब लोग ऐड देख के रिस्पॉन होते ना तब गुस्सा आती है, मैं भी नहीं होता ऐड देख के, तो मैं शायद तभी होता। हाँ अगर ये TNT का यूज़ करता तो मैं ज़रूर होता रेड का एक्चुअली, पर इसको भी मार ही देते हैं और चलते हैं। ये जुगाड़ है वरना फिर यहाँ से मार गिरा सकता था ऑब्वियसली। अच्छा इसने मुझे एरो से हाथ, ये वही है रही वही नूब है बंदा, मर गया। अब यहाँ पर येल्लो को देखना है, येल्लो कहाँ गया, येल्लो तो दीप, हो सकता है कि हमारा जो दूसरा टीममेट है वो ही मार दे। जहाँ भी है मुझे देखना पड़ेगा जल्दी से। ये रहा भाई, इसको मुझे सीरियसली मैं इसको छोड़ने नहीं वाला सही में, इसको मैं फिर से मैं ही मारूंगा। उस समय तो मैंने इसको गिराया था, हाथों से मारा था, अब मैं इसको स्वॉट से भी मारूंगा। वो क्राउच कर रहे हुए हैं, इसको क्या, इसको पता ही नहीं है कि क्राउच करने से भी हमारा नेम दिखता है, स्काईरॉल में तो दिखता ही है। ओके ईजी ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, तब तक ले बाय।